वैसे आजकल वेदर बहुत मस्त होके रखा है, मतलब जब भी आप देखो बस ग्रीनरी देखने को मिलता है, जब भी आप देखो क्लाउडी वेदर और धूप की ज़्यादा वैसे धूप आ नहीं रहा है, दो तीन दिन में एक बार कपड़े सूख रहा है और उसके बाद उसी तरह से हमें पहनना पड़ रहा है। तो अभी मैं करूँगी अपना लंच, तो लंच में यहाँ पे बना है चिकन स्टू, ये सारे पपाया है, ये आलू जैसा बिल्कुल दिख रहा है ना, तो पपाया मुझे खाने के लिए बोला गया है तो इसलिए इसमें पपाया डाला गया है। स्टू हमेशा अच्छा ही बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं मिथुन के लिए वेट करती थी, तो वेट करते हुए मुझे ये बीमारी जो लग गया कि लेट खाना खाना और गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने कहा कि आप किसी लिए भी वेट मत करो, खुद अगर बचना है तो टाइम टू टाइम थोड़ा सा भी हो तो खा लो। तो इसलिए आजकल मैं अकेले ही, आप देखेंगे कि मुझे खाते हुए अगर टाइम टू टाइम मिथुन नहीं आया तो मैं और आर्यन हम दोनों बैठ के खा रहे हैं। यस, मेरा खाना आ रहा है। आज मैंने अपने आप का ही फेशियल कर दिया, तो जब आप फेशियल करो ना उसके 3-4 घंटे के अंदर फेस में पानी तक नहीं लगना चाहिए। अभी तक नहीं नहाई, तो बिना नहाए मैंने लंच का लिया है और शाम के 4-5 या 6 बजे मैं नहाऊंगी। कल मंगलवार है ना मिथुन? कल मंगलवार। मंगलवार है तो कल मेरा गणपति के लिए एक मराठी टाइप्स एक मेकअप लुक शूट करना है, तो इसलिए अपने हेयर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओली सोनुबा वनिता, अभी बजे है शाम के 5, तो अभी मैं थोड़ा सा लस्सी पीऊंगी। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा खाना खाती हूँ ना तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, और आज मैंने सोचा है ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिक्विड खाने की पीने की कोशिश करूँगी, और जो बहुत ही हल्का फुल्का सा जैसे कि एक ब्रेड बटर के साथ ले लिया। इतना सा कर्ड है इसे यूज़ कर लूँगी। अभी अभी था कितना धूप, और अभी देखो पूरी जगह पे क्लाउड और क्लाउड, ये बस टाइम के लिए नहीं, ये पूरा मतलब काला हो चुका है आसमान। तो अभी थोड़ा सा लस्सी पी लेते हैं बाहर जाके, थोड़ा सा बालकनी में जाके अच्छा लगता है लस्सी वस्सी पीना, या तो इवनिंग में चाय पीना, तो चाय भी नहीं पीऊंगी मिथुन आ जाए उसके बाद। तो सबसे पहले लस्सी को एंजॉय कर लेते हैं, बहुत प्यार से बनाई है। एक अच्छा चीज़ दिखाना है आपको, वो दो बिल्डिंग के बीच में आप देख रहे हो कि धुआं धुआं सा बिल्कुल, वो बारिश हो रहा है। यहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हो रहा है, तो अभी आ रहा है, बारिश आ रहा है और वो हम देख रहे हैं। अभी अभी जस्ट कुछ देर रुको, अभी बारिश आ जाएगा, शुरू बारिश। अभी लेंस में पानी आना शुरू हो जाएगा। जबकि सनाने जाऊंगे तो इस टाइम अगर मैं भीग भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी टाइम का, ये खत्म हो जाए उसके बाद पूरा बालकनी मुझे क्लीन करना है शाम को ही, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से कुछ पत्ते आके यहाँ पे गिर जाता है, कहाँ पे कुछ कागज के टुकड़े आके यहाँ पे गिर जाता है बारिश के कारण। देखो नहाने, पर ऑस्कर कहाँ पे बैठा है पता है? चलो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आर्यन के रूम के सामने, क्योंकि उसके उसका सर है, उसे पढ़ा है। शाम को नहाने का, शाम को हेयर वॉश करने का एक पुरानी आदत है मेरी, सब जानते हैं जो कि मेरे चैनल में बहुत पुराने हैं। मतलब नहा लेती हूँ सुबह सुबह, पर मैं हेयर वॉश अगर करना होता है ना तो वो नॉर्मली मैं शाम के टाइम में करती हूँ, अदरवाइज कभी और जरूरत पड़ती तो सुबह भी कर लेती हूँ। तो चलिए नहा के फिर वापस मिलते हैं हम। तो ये है हमारा छोटू सा
मोटू सा बेडरूम का बैल्कनी यहाँ पे भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छा लगता है, पर जगह की प्रॉब्लम के लिए मैं बैंगलोर में ये सब नहीं लगा पाई थी, पर यहाँ पे जबकि हर एक रूम के साथ बेचारा आर्यन का ही किस्मत खराब है, उसका बेडरूम ये है, इस बेडरूम में कोई भी बैल्कनी नहीं है, पर हर एक रूम में बैल्कनी है और आर्यन को वही रूम चाहिए। मैं एक्चुअली मिथुन के लिए वेट कर रही हूँ, मिथुन लड्डू लाएंगे और उसके बाद दिया का जो ऑयल होता है ना जिसे दिया जला जाता है, तिल का तेल शायद बोलते हैं, वो लास्ट दो दिन से नहीं है और ये मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि मैं बोलूँ। मैं मोमबत्तियाँ जला रही हूँ, कैंडल जला रही थी, तो वो ले आएंगे। तो तब तक क्या करें, तब तक थोड़ा सा पूजा के लिए अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पूजा वाइब भी तो आना चाहिए ना। तो हमारा कुछ प्लानिंग है वो मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल आप देख रहे हो इसे यहाँ से हटा लिया जाएगा, मंदिर को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा बिल्कुल टेबल के वहां पे, और वो जो बुक शेल्फ है उसे और भी दरवाजा की तरफ, बीच में हमारा जो कॉफी टेबल है उसे सेट किया जाएगा, वहां पे होगा एक्चुअली डेकोरेशन जो कि बिल्कुल मंदिर जैसा, मतलब टेंट जैसा बिल्कुल हम डेकोरेट करेंगे। और आज अभी मैं क्या करूंगी, सारे जो फेक गेंदा फूल का अपने चेन देखा ना उससे इस साइड को, इस कॉर्नर को मैं अभी डेकोरेट करूंगी, और इस सोफे को भी हटा दिया जाएगा आर्यन के रूम में शायद। बैंगलोर के हाउस के बारे में पूछ रहे थे कि उस हाउस को आपको सेल करना है या आप यहीं पे रहेंगे या वहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे। सो गाइस, हर किसी का कोई ना कोई प्लान होता है, हर फैमिली का, हर किसी की ज़िंदगी का, पर हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्लान आपका सक्सेसफुल रहे। आज हम आपको एक बात बोलेंगे, पता नहीं वो कल उस बात का कितना वैल्यू रहेगा, तो कल हम कोई नहीं जानते, पर एक चीज़ है जो कि हमारा डिसीजन ऐसा है कि बैंगलोर में जो हमारा दो हाउसेस, मतलब एक फ्लैट और एक रो हाउस है, तो फ्लैट हम सेल कर देंगे। फिलहाल तो वो दोनों में से दोनों ही अभी तक हमारा नहीं है, बैंक का लोन जब लिया है तो दोनों ही बैंक का ही है, तो जिस दिन कंप्लीट कर पाऊंगे उस दिन हमारा होगा। तो बैंगलोर का जो फ्लैट है वो हम सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद यहाँ पे हम अपना कुछ लेंगे कोलकाता में, पर रो हाउस हम सेल नहीं करने वाले हैं। पहले हमारा डिसीजन था जब हम कोलकाता आए थे कि रो हाउस भी हम सेल कर देंगे, सेल करने के बाद बैंगलोर के साथ पूरा मतलब ये, पर बैंगलोर के साथ किसी भी तरह से आज एक साल रहने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ, बैंगलोर के साथ हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते, कभी भी नहीं तोड़ सकते। इवन अगर कोलकाता आने के 2-3 महीने बाद ही मैं आपको अगर ये स्टेटमेंट देती तो शायद बहुत जल्दबाजी होता, पर अब के जब एक साल हो चुका है, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा साल तक मैं कोलकाता में शायद नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, मेरा काम चल रहा है, मेरा ऑफिस चल रहा है, मेरा बिजनेस सारे सेटअप यहाँ पे हो चुका है, जबकि मतलब 15 डेज यहाँ पे मिथुन को, 15 डेज वहाँ पे मिथुन को रहना पड़ेगा, पर शायद परमानेंटली हम बैंगलोर शिफ्ट होंगे, अभी नहीं, पर आर्यन का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद, तो रो हाउस जो है वो हमारा हाउस है और उसे हम उसी तरह से रख रहे हैं।
इस साल के एंड में शायद हैंडओवर भी मिल जाएगा और उसके बाद हम धीरे धीरे इसका इंटीरियर शुरू कर देंगे। पर चीज ऐसा है कि इंटीरियर वो है ट्रिप्लेक्स, बहुत ज्यादा स्पेस है वहाँ पे। जो हमारा फ्लैट है, फ्लैट का आपने देखा है, एक मिनट मिथुन आया है, डैडा 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 है, है, है। चलो 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 चलो। और बनाना वहां पे रख दो किचन में। आ गया मंदिर का ऑयल और ये अपने साथ घर को लेके बात बात बाद में करते हैं, क्योंकि एक बात को लेके बैठी थी अभी। पहले हम हाँ ये कर लेते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं भगवान को। बोल रही थी कि बेंगलोर में हम 2-3 साल बाद जाके शिफ्ट हो जाएंगे। एक भी बात ठीक से करने नहीं देता इस घर में कोई मुझे। सॉरी प्रजोर से जग गया। वो देखो अभी आ गया नूडल्स। अभी और ही खाना बाकी है, वहां पे बैठा है ना। आ रहा है, आ रहा है। चलो चलो कैमरा शो कैमरा शो पकड़ के रखा हूँ। देखो 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 साइड से जाता है। अच्छा पर हमारा हो जाएगा, जरा चाटा बनाओ तब पे बना। अच्छी तू दोटा बने ना, अब बात करूँ। हाँ चलो करते। अच्छा वक्त कोई करने नहीं देता, जो मन की बात है वो थोड़ा इमोशन के साथ लोग बोलते हैं, पर वो इमोशन लाने ही नहीं दे रहे मेरे फेस पे। अचानक से ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी हो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आई होप कि आप लोग भी बहुत खुश हो। पर ये हमारा बहुत फ्यूचर प्लान है, तो इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा। पहले तो जब यहाँ पे हम आए थे तो उस टाइम में हमारा प्लानिंग था कि ज़मीन लेंगे, वहाँ पे घर बनाएंगे ऐसा। पर यहाँ पे मित्र ने पहले ही बोला था कि सबसे पहले देखो 10 साल कम नहीं होता। शादी के बाद सिर्फ 1 साल हम रहे थे कोलकाता, उससे पहले 2 साल हम गुवाहाटी रहे, 1 साल कोलकाता रहे और 10 साल हम बैंगलोर में रहे। उसके बाद अभी बैंगलोर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है अभी आर्यन के बोर्ड एग्जाम तक हम यहाँ पे रहेंगे। पर यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर्टी चाहिए जो कि वहाँ पे फ्लैट सेल होने के बाद यहाँ पे एक छोटा मोटा हो, मतलब 3 BHK नॉर्मल सोसाइटी में, बहुत बड़ा सोसाइटी नहीं, नॉर्मल से सोसाइटी में 3 BHK हम ले लेंगे। क्योंकि मिथुन को महीने में 10-15 दिन तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट हमारा जो बिजनेस सेटअप है वो यहाँ पे है, ऑफिस एम्प्लॉय सब यहाँ पे ऐसा ही रहेगा और हम लोग वहाँ पे रहेंगे। ऐसा ही हमारा प्लानिंग है। तो पता नहीं, इंसान तो प्लान करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर उसके बाद तो टाइम बता देता है कि वो प्लान कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा ये सब। पर है जो है, अभी अभी बात की तो बाद में देखा जाएगा। जो भी है, पर इस बार जो हम जा रहे हैं, मेरा ऑपरेशन होगा गणपति के बाद, मेरा उसके बाद ही मेरा बर्थडे है 16 सितंबर, आप सबको पता है। तो मेरा बर्थडे हो जाए उसके जस्ट बाद ही मेरा ऑपरेशन होगा। उसके बाद तो मैं कुछ टाइम तक मैं हिल दौड़ नहीं पाऊँगी शायद, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना ठीक नहीं है, ज़्यादा दौड़ भाग करना, वरना हम जाते बहुत ही रिसेंटली हम जाते बैंगलोर और आपको वो घर दिखाते। तो इस बार जब जाऊँगी आपको दिखाऊँगी वो घर, खुद का घर। और यहाँ पर कोलकाता में मेरा मन ना लगने का और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि खुद के घर में रहने के बाद ना आप रेंट पे फिर से नहीं रह पाओगे। पता है ये घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो एक छोटा सा फ्लैट है, 3 BHK नाम का है, 3 BHK एक्चुअली ठीक ठाक से घर लो तो वो 2 BHK है, ऑफिस रूम बहुत ही छोटा है। फिर भी खुद के घर में रहने के बाद आप दूसरों के घर में रेंट पे, जब आपको याद आएगा कि ये रेंट का घर है, तब इतना अच्छा नहीं लगता। जो होगा व्लॉगिंग तो होता रहेगा, आप सबको पता चलता रहेगा। वही चाय पियेंगे, वो भी आप देखते रहेंगे, आपके साथ चाय पियेंगे। अगर इवनिंग के टाइम में आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज एक कप चाय के साथ देखें। ओके तो चाय बाद में और नूडल पहले। हाँ, नूडल पहले।
ओके ये नूडल ना उस दिन मैं लाई थी, तो आज मैं नूडल ज्यादा नहीं खाती, मैगी वगैरह कुछ भी नूडल मैं ज्यादा नहीं खाती, पर ये वाला ना बहुत टेस्टी है, तो मुझे मिला तो मैं ले आई 6 पैकेट, तो आज एक एक करके तीनों खा लेते, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा, बाद में चाय पियेंगे, शायद डिनर भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा 2 पैकेट नूडल है वो अभी हो गया, अब तेरा वाला अभी अभी तक नहीं हुआ। यस चलो हो गया हमारा नूडल, आर्यन का भी हमारा भी, पर इसमें इतना कम क्वांटिटी रहता है ना, ये तो पूरा मिथुन ही खा लेंगे। मिथुन का एक बहुत अच्छा टेक्निक है, जब देखता है कि कुछ और भी खाने का मन करता है पर सबके पेट में इक्वल है, तब बोलते हैं तुम लोगों में से किसी को भी अगर लगता है कि तुम्हारा ज्यादा हो गया है, तुम लोग खा नहीं पा रहे हो, तो मुझे दे सकते हो। गर्मी है किचन में, बाप रे आजकल इतना बारिश हो रहा है, उसके बाद भी इतना ज्यादा गर्मी है, क्या बताओ। लेकिन ये तो नूडल का कमाल है, तुम्हारा मैंने बोला भी नहीं कि ये नूडल टेस्टी होने के पीछे मेरा कमाल है, ये नूडल ही अच्छा है। बालों की वजह से नूडल खाना मुश्किल हो रहा है, फैन की हवा के हवा से पूरा बाल मेरे मुंह में आ रहा है। तब सोचो ऑस्कर का क्या हाल होता है, उसका तो हमेशा ही टाइम ऐसे बहुत सा। ओह माय गॉड 10:02 10 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो चलो अभी एक मूवी देख लेते हैं, मूवी का नाम है हेलमेट। आयुष्मान खुराना का जो ब्रदर है ना, उनका मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, और उनका मूवी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। I think I like it how it is.